हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला एमएफ। रिसेंटली मेगा टीयर टू टिकट सेकंड इवेंट में मिला। आई होप एवरीवन कलेक्टेड। आज मैं मेगा टीयर टू टिकट कौन सा कैरेक्टर करने का है बताऊंगा। देखो, पहला चीज़ जो कैरेक्टर यूजफुल है अभी रोस्टर में, मैं वही कैरेक्टर बताने वाला हूँ। सभी कैरेक्टर को मत करो, जो कैरेक्टर यूज़ होगा इन फ्यूचर में यूजफुल रहेगा वही कैरेक्टर मैं बताऊंगा। पहले बार जो कैरेक्टर नहीं मिलेगा, ईजिली नहीं मिलेगा, वो कैरेक्टर को टीयर टू करो। नॉर्मल कैरेक्टर को मेगा एडवांसमेंट टीयर टू टिकट यूज़ मत करो। लाइक देखो, अभी नॉर्मली क्या होता है, मार्वल फ्यूचर में दो टाइप का कैरेक्टर मिलेगा। एक तो फ्री में मिलेगा बायोमेट्रिक्स थ्रू, एक पैसा स्पेंड करने का पड़ेगा, और एक क्रिस्टल। दिस इज द क्रिस्टल कैरेक्टर। इसमें से आप चाहे तो मिस्टिक जेस चूज कर सकते हो, एंड दूसरा कोई कैरेक्टर उतना वर्थ नहीं है। ओके, एंड क्रिस्टल में वो क्रिस्टल पैक क्रिस्टल का चेस्ट कभी भी मत परचेज मत करो, दैट्स एक वार्निंग है, बिकॉज उसमें कुछ प्रीमियम कैरेक्टर नहीं मिलेगा। एंड प्रीमियम कैरेक्टर एक ही चीज़ से मिलेगा, पैसा स्पेंड करने से, एंड और एक चीज़ इवेंट से। एक तो 100% पैसा 900 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको डेली 20 बायोमेट्रिक्स मिलेगा। मंथली आपको आई थिंक मोर देन 600 कुछ तो मिलेगा। मैं परचेस कभी भी नहीं किया हूँ, आई होप सोच रहा हूँ परचेस करने के लिए। लेकिन इसमें दो टाइप का 900 रुपीज़ का पैक है, एक तो एक्जिन सेलेक्टर, एक नॉर्मल प्रीमियम कैरेक्टर सेलेक्टर, दोनों अलग अलग है। एंड उसमें से जो यूज़फुल है वही परचेस करो। मैं अभी जो यूज़फुल कैरेक्टर मैं बताने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर अभी जो मेटा है, जो यूज़फुल रहेगा आपका रोस्टर में एज अ न्यू प्लेयर, एज अ फ्री टू प्लेयर, एवरी प्लेयर आपको अभी तक यूज़फुल रहेगा, आज नहीं बल्कि एक साल तक बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड और एक चीज़, वो कैरेक्टर इजीली फॉर्म भी कर सकता है फ्रॉम डेमेंशन रिफ लक रहने का। फर्स्ट वन इज़ ब्लैक पैंथर मेरे हिसाब से, बिकॉज ब्लैक पैंथर विदाउट यूनिफॉर्म विदाउट एनीथिंग इज़ बाय फार द बेस्ट पिकअप फॉर फर्स्ट टीयर टू कैरेक्टर। एंड रिसेंटली अभी ट्रांसेंडेंट हुआ तो आप उसे ट्रांसेंडेंट कर सकते हो, रियली ऑसम पिकअप है। एंड देखो, विदाउट यूनिफॉर्म कोई भी कैरेक्टर देखो, विदाउट यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लीडरशिप है, एंड ऐसा अच्छा पैसिव है, तो रियली ऑसम है आपका 100% अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं तो बोल्ट यूज़ करता हूँ ऐसा लीडर सपोर्ट के लिए, ऐसा लीडरशिप ऑल्सो सो गुड। तो मेरा सबसे पिकअप कर लो, इसे आपको एक स्टार मिलेगा, आप डायरेक्टली टीयर टू कर सकते हो एडवांसमेंट मेगा टीयर टू एडवांसमेंट टिकट से। ओके, उसके बाद इसका बायोमेट्रिक्स को आपको 900 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आप इजीली डायमेंशन लग ले रहे थे थोड़ा लग। एंड सेकंड नंबर पे आएगा वैल्क्री। यस गाइस, वैल्क्री इज ऑल्सो बाई फॉर द बेस्ट इवन विदाउट अ यूनिफॉर्म, शी इज रियली रियली ऑसम। उसका पैसिव हॉल एलर्स के लिए इनकेस डैमेज टू सुपर विलन, विच इज सो गुड, सो मच गुड। आपका अच्छा पिकअप है ये भी, आपको वेल्ड डायमेंशन ड्रिफ्ट में मिलेगा। एंड आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो लेटेस्ट वाला ले लो, एंड पुराना यूनिफॉर्म कोई भी मत लो। एंड और नई चीज़, ए डायमेंशन ड्रिफ्ट मिलेगा, और इसको आप लोग दो तीन तरीके से मिल सकते हैं। क्रिस्टल भी से भी मिलेगा, आई थिंक थॉर रैग्नारोक का लेजेंडरी बैटल समथिंग उसमें से, लेकिन उसमें से मत लो। एंड आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एंड 900 रुपया देना पड़ेगा एज यूजुअल। ओके, शी इज़ ऑल्सो आपको अभी से 4-5 महीना क्या अ लॉन्ग टाइम यूजफुल रहेगा दिस कैरेक्टर ऑल्सो। यस गाइस, कभी भी मेटा से बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज ऐसे एवरी टाइम आप लोग सपोर्ट यूज़ करते हो वर्ल्ड बॉस या तो कोई भी गेम कंटेंट। एंड कोलोसिस बाय फॉर द कॉन्ट्रोवर्सियल कैरेक्टर, रियली ऑसम पिकअप है स्टिल राइट नाउ। वर्ल्ड बॉस के लिए यूज़ होता है, मेरे लिए टाइमलाइन बैटल के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसका बायोमेट्रिक फार्म करना थोड़ा मुश्किल है, डेली खेलना पड़ेगा, आरएनजी इन्वॉल्व रहता है, रैंडम रहता है। लेकिन आप एक स्टार रहेगा, दो स्टार रहेंगे, लेकिन बहुत टाइम की वेस्ट करना पड़ेगा। अब बायोमेट्रिक मिलेगा, लेकिन टीयर टू का लोग है, मेरे हिसाब से अच्छा पिकअप है। कोलोसिस इज ऑल्सो गुड पिकअप। एंड हियर गो वी गो पोलारिस। पोलारिस आपको बहुत अच्छा है, वही बी एक्स के लिए अच्छा यूजफुल होगा, लीडरशिप एंड सपोर्ट म्यूटेंट एलाइज के लिए। एंड मैं ये ज़्यादातर ना ABL के लिए यूज़ होगा, तो इसके लिए मैं इसे भी पिकअप किया हूँ, रियली ऑसम पिकअप। एंड वाइल्ड बॉस के लिए म्यूटेंट का कुछ कैरेक्टर रहता है उसके लिए यूजफुल रहेगा गाइस। एंड अनदर थिंग, लूना स्लो इसमें आपको पिकअप क्यों करने बोल रहा हूँ, शी इज़ रियली गुड बट नॉट राइट नाउ इन फ्यूचर। मुझे मालूम है, 100% मालूम है, नेट मार्बल लोग लूना स्लो को बहुत बड़ा हाई मेटा करने वाले हैं, ऐसा टीयर 4 देंगे, बिकॉज नेट मार्बल का फेवरेट कैरेक्टर बोलूँगा। एंड हियर वी गो, लूना स्लो हो गया, उसे भी इन विथिन 2-3 मंथ्स लोग मे बी मिड मंथ लोग कभी भी यूनिफॉर्म दे सकते हैं। एंड उसके बाद व्हाइट फॉक्स का रियली ऑसम है। व्हाइट फॉक्स एंड वेव दोनों क्रिस्टल वॉल कैरेक्टर है, उसे भी आप कर सकते हो। नॉर्मली आप क्या एक बार परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद 6-स्टार मेगा रैंक अप टिकट यूज़ करना पड़ेगा, फिर बायोमेट्रिक्स से अभी कर सकते हैं या तो मेगा टीयर 2 से भी कर सकते हैं। नॉर्मल टीयर 2 यूज़ कर सकते, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म वेट करेंगे तो ओके बोलूँगा, नहीं तो आप मेगा टीयर 2 टिकट यूज़ करो, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं वाइट फॉक्स एंड वेव। ओके, वेव ऑल्सो सो गुड, लेकिन उसका यूनिफॉर्म मत लो, बिकॉज मैं भी लेने के लिए सोचा था, लेकिन अभी क्या रिसेंटली टीयर 4 आने के बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन लीडरशिप ही लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म लेंगे तो उसका लीडरशिप एंड पैसिव बहुत अच्छा है गाइस। तो वेव ऑल्सो
गुड पिकअप बोलूँगा। तो इसमें जितना भी कैरेक्टर बताया ना बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट लूना स्लो। लूना स्लो अभी मेटा नहीं है लेकिन करके रख सकते हो। अभी विद इन एनिवर्सरी या तो एनिवर्सरी के बाद ये लोग 100% यूनिफॉर्म देंगे। एंड निक फ्यूरी अभी रिसेंटली मिस मार्वल का टीजर आया था, तो रियली ऑसम। निक फ्यूरी इज गोइंग टू बी टीयर 3 या तो टेंसर नॉन होगा विद इन 8वां महीने में, विद इन 3-4 मंथ आई होप कि नवंबर में होएगा क्या, तो कभी भी तो उसे भी पिकअप कर सकते। एंड एज अ सपोर्ट अब वर्ल्ड बॉस लेजेंड कहेंगे तो अल्टीमेट कहेंगे तो यूजफुल रहेगा। एंड इसके बाद आएगा हायर एंड हार्ट, सी इज ऑल्सो बाई फार द गुड फॉर एज अ लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑल्सो, लेकिन उसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म चाहिए। विदाउट यूनिफॉर्म शी इज नॉट गुड, तो वो भी एक पॉइंट बता देता हूँ। 50% रहेगा तो परचेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। एंड देखो 50% एनर्जी अटैक मिलेगा एंड बॉस टाइप के लिए इनक्रीज डैमेज टू बॉस टाइप कैरेक्टर विच इज सो गुड। ओनली 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर को ऐसा यूनिक पैसिव दिया गया है। ओके उसके बाद एम्बाको अच्छा है लेकिन ट्रांसेंडेंट नहीं होने वाला है, लेकिन वो भी अच्छा ऐसा सपोर्टेबल कैरेक्टर बोलूंगा। शी इज ऑल्सो ग्रेट पिकअप। ओके तो ब्लू ड्रैगन भी आप कर सकते हो लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू आपको, लेकिन उसके मैक्स आउट बिल्ड देना पड़ेगा। एकदम टीयर 4 तक करेंगे तभी यूजफुल रहेगा या तो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। एंड स्पेक्ट्रम ऑल्सो गुड फॉर अ लीडरशिप कैरेक्टर एंड उतना यूजफुल नहीं है स्पेक्ट्रम। लूना स्नो एंड निक फ्यूरी वो सब थोड़ा कैरेक्टर है लेकिन इन फ्यूचर में आप लोग को अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन जो पहला बताया ना बहुत अच्छा है। एंड एको भी अच्छा है फॉर स्पीड टाइप के लिए, लीडरशिप अच्छा है, उसका भी यूनिफॉर्म परचेस करना पड़ेगा, लेकिन एको टिक टाक पिकअप बोलूँगा। एंड ओके उसके बाद आएगा डेजलर ऑल्सो गुड सपोर्ट फॉर म्यूटेंट एनालिस्ट के लिए, बहुत अच्छा सपोर्टेबल कैरेक्टर। आप लोग उसे टीयर 2 करेंगे तो सपोर्ट रहेगा। एंड मोस्ट मस्ट हैव कैरेक्टर नेमोर, मेरा भी फेवरेट है, अभी तक मेटा है फॉर ABX वर्ल्ड बॉस GBR एवरीथिंग, सो गुड कॉम्बैक्ट विलन है तो बहुत अच्छा है गाइस, रियली ऑसम पिकअप है। दिस इज ऑल द कैरेक्टर विच इज सो गुड। एंड उसके बाद एमा उतना अच्छा नहीं, बहुत सारा कैरेक्टर है। उसके बाद मैं और एक कैरेक्टर भूल गया, आई होप कि मिस्टिक एंड ईयर बिको मिस्टिक ऑल्सो गुड। सी से क्रिस्टल वॉल कैरेक्टर, एक बार क्रिस्टल लेके परचेस करो फिर मेगा टीयर 2 टिकट यूज़ करो गैस, उसका पैसिव रिली अच्छा है। एंड बस इतना है गैस, तो मेरे वे पसंद आएगा तो लाइक करो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगा। एंड और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें मेगा नॉर्मल टीयर 2 कैरेक्टर मतलब नॉर्मल टीयर 2 नेटिव टीयर 2 कैरेक्टर नेटिव टीयर 3 कैरेक्टर में यूजफुल अप्लाई नहीं होगा। थानोस से क्विक सिल्वर उसमें सब अप्लाई नहीं होगा गैस। बस आज के वीडियो में पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।